गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्यूज सेक्शन 17 में दिल से स्वागत है सभी लोग के स्वागत है। हम सर जी प्राइज के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लगभग सर जी क्यूज कितने नंबर पे पहुंच चुके हैं? हम लोग 17 नंबर पर पहुंच चुके हैं। जज्बे अच्छा बात है, तरीकी अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं से दो लोगों के हम समझा रहे सर जी। कल कमेंट बॉक्स में अथी कर रहे थे, प्लीज एंसर के अलावे दूसरा बाबू अगर आज एक भी चार्ट करेंगे तो सर जी हम बंद कर देंगे, बस एंसर। हमने कल दोनों लोगों को समझाया, आज के बाद वो दोनों कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। आप लोग प्लीज सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंसर तो बस एंसर है ना, हो ठीक ना। मर्द खाए से मतलब रखा, ठीक ना। जुड़ जा मेरे दोस्त, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जोश से आइए, जोश से आइए, ठीक ना, तरीके से आइए। क्यूज 17 का सबसे आसान क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर खड़ा किए हैं। बाबू रे फिर से समझ ला, गम हो या खुशी मेरी जिंदगी है तुम। बात समझ गया ना, कैसा भी जिंदगी हो तुम मेरी हो, और मेरी कौन? आपकी नौकरी, दूसरा कोई नहीं। अबे कदम हम दूसरा के बात नहीं की करत, हम किसकी बात कर रहे हैं? नौकरी की। ये आपकी होनी चाहिए मेहनत से तरोताजा से, ठीक ना। हम तो फिर से कह रहे हैं, गम हो या खुशी तू मेरी जिंदगी हो। किसी भी परिस्थिति में रहो सर जी, पढ़ाई करो, ठीक ना। अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आधे रास्ते पर जाकर मंजिल ना मिले तो पीछे मत लौटना सर जी, क्योंकि फिर पीछे जाने के लिए आपको आधा दूरी और तय करना पड़ जाएगा। प्लीज मेरे दोस्त मेहनत कीजिए, ड्रीम जो सोचे हैं उसको पूरा कीजिए। ड्रीम आपका है, दूसरा कोई नहीं पूरा करेगा, विश्वास कर मेरे लल्ला, ठीक ना। जिंदगी ऐसो में जिएंगे जब आपकी सपना पूरा हो जाएगा, विश्वास कर मेरे दोस्त। दुनिया बदलेगी, वो मंजर भी आएंगे, सब कुछ आपको मिलेगी। प्लीज विश्वास तो कर हम पे, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं सर जी, जीआईसी की स्थापना कब हुई, ठीक ना। कुछ लोग के सर आंसर सही आ रहे हैं, कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं। जीआईसी, बाबू रे जीआईसी भी एलआईसी की तरह ही होती है, ठीक ना। जीआईसी भी एलआईसी की तरह ही होते हैं। चलो सर जी, वो जीवन बीमा है, घरों के ऊपर बीमा किया जाता है, अलग तरीके से किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए 1955 में लल्ला तो पता है ना किसकी स्थापना है, एसबीआई की स्थापना है। 1956 में मेरे दोस्त एलआईसी की स्थापना है, ठीक। 1964 में बाबू रे यूटीआई यूटीआई की स्थापना है, और 1972 में किसकी स्थापना है, जीआईसी की स्थापना है। माइंड पे लिख ले, चपका दे इस क्वेश्चन को अपने भेजे में और अपने दिमाग में, ठीक ना लल्ला। ये छोटी बचत की बड़ी बैंक है। अरे बाबू तू कितना बार देख लो, हर हीरो हीरोइन किसकी प्रचार कर रहा है, यहां तक महेंद्र सिंह धोनी भी प्रचार कर रहा है, किसकी, यूटीआई की, ठीक ना। छोटी बचत की बड़ी बैंक है यूटीआई, लेकिन आपसे प्रश्न किसकी डिमांड कर रहा है, आपकी प्रश्न डिमांड कर रहा है सजी किसकी, जीआईसी की। उठा दे कलम, लिख दे उस पर नाम कि इस बार हम बनेंगे विजेता सर जी क्यूज 50 का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, प्लीज लिंक को शेयर कीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्यूज नंबर 17, प्लीज एक्स्ट्रा कमेंट ना करें बाबू रे, हम देख रहे हैं सबको, ब्लॉक कर देंगे, बस एंसर।
आप हमें सपोर्ट कीजिएगा सर जी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, विश्वास कर सर जी, हम फिर से कर रहे हैं, हम ओमे के ना आई, ठीक ना, हम ओमे के ना है सर जी, ठीक ना, एकदम तरीके से फिर से लिख लें, लल्ला रे, स्पेशलिस्ट बीपीएससी की बात शुरू होगी, बीपीएससी और बीएसएससी। आज जो लड़के ने कल कहे थे गुरुदेव कि सर जी फायरमैन का क्वेश्चन होना चाहिए, तो लल्ला ये फायरमैन का क्वेश्चन आया हुआ है, उड़ा ले फायरमैन, लगा दे किसी गलियों में आग, जाके बुता दे, उठा ले फायरमैन की गाड़ी, दिखा दे निशाने अपने मिशन पे, बस ड्रीम, मंजिल तुम्हारी है, नौकरी तुम्हारी है, साला कोई नहीं छुएगा। बात समझ में आ रहा है ना, फिर से बाबू रे ध्यान में रखा, इसी 24 घंटे में किसी को किसी का पति बनने का शौक है तो किसी को करोड़पति बनने का शौक है, आपको क्या बनने का शौक है, ठीक ना, आपको क्या बनने का शौक है, किसी का पति या करोड़पति, बता दे इसी 24 घंटे में तो क्या बनेगा, उठा कलम लगा दे आंसर, या तो किसी के पति बनेगा, अब तो सर ऐश्वर्या राय के शादी तो हो गई बा, दोबारा ऑफर तो मिली ना, ठीक ना, तो अब का बा करोड़पति, लगा दीजिए आंसर, जानकी रमन समिति का संबंधित है, प्रतिभूति घोटाला से, चीनी घोटाला से, ग्रामीण बैंक सुधार से, बैंकिंग समिति से, लगाइए आंसर सभी लोग फटाफट तरीके से लगाइए, बैंकिंग समिति किससे संबंधित है बताइए, ठीक ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सर जी बैंकिंग से, मल्होत्रा, मल्होत्रा समिति, ठीक, मल्होत्रा समिति के संबंध किससे है, बैंकिंग से, चीनी घोटाला के बताओ मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, चीनी घोटाला का संबंध किससे है, हाली हाली दीजिए आप लोग सभी लोग, चीनी घोटाला के संबंधित किससे है सर जी, चीनी घोटाला के संबंधित ज्ञान प्रकाश समिति से, ज्ञान प्रकाश समिति से, उठा दे कलम लगा दे आंसर, ग्रामीण बैंक सुधार का संबंधित किससे है बताइए सभी लोग, ठीक ना सर जी, इसका संबंधित है भंडारी समिति से, ठीक ना, तो बच गया क्या बाबू मेरे, प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूति घोटाला संबंधित किसके, जानकी रमन के संबंधित है, ठीक ना, ले ले लल्ला जीवन की फर्स्ट ट्रॉफी क्यूज नंबर 50 में, उठा दे फायरमैन की गाड़ी, लड़ा दे आईसी 24 घंटे में, पति लिखे बने के कहा बने एक बहु, करोड़पति बनना आईसी 24 घंटे में, चलिए इस चारों को लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हम लोग, चलिए क्वेश्चन के आंसर दीजिए बाबू सभी लोग, रॉल्फ फिच किसके दरबार में आया था, कुछ समय लेकर देना इसके, इसका आंसर, क्वेश्चन सर जी वेट वाला है, इस क्वेश्चन में वैल्यू है, ठीक ना, इमेंस की पेपर की क्वेश्चन है, तरीके से देना, हवड़ा के मत दो, बस पहले दो, ठीक ना। देखिए रॉल्फ फिच किसके दरबार में आया था बाबू रे, इकट के दरबार में आया था, औरंगजेब के दरबार में सर जी, केवल और केवल हमारा हो रहा है सराय नहीं, एक सेनापति आया था ब्रिटिश का, ठीक, शाहजहां के दरबार में भी आया था सर जी, एक महान अंग्रेज लोग जो इसके भी दरबार में आए थे, किसके, शाहजहां के दरबार में आया था सर जी, जिसका नाम था सर जी वानियर, वानियर, ठीक ना, या पीटर, पीटर हुड्डी, ये आए थे शाहजहां के दरबार में, ये तो पता है ना, जहांगीर के दरबार में सर जी कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक ना, या एक ऐसा सर जी नाविक चालक था अंग्रेज था, जिसने बोला कि भारत में चांदी है, भारत से चांदी जाता है, पर
आता नहीं है। याद कर ले मेरे दोस्त यह बात कि किसने व्याख्या की सर जी, तो कैप्टन हॉकिंस ने। अकेकर दरबार में हो, आसिक के दरबार में। आसिक कौन था? जहांगीर शराब और मदिरे के नशे में चूर था, बहुत बड़ा सर जी, ठीक ना। इतना मस्त चित्रकार था कि सर जी बेन बसुसरा प्रेम प्रेम हो गई राजा हमनी के रोड पे आ गुलाम। प्रेम से दूर रहा बाबू, देखा राजा रंग बन गुलाल। प्रेम अनारकली के मुंह चाल में फंस गुलाल, ठीक ना। अब बचपन के प्यार भूल गए। देखिये रॉल्फ फिंच आया था किसके दरबार में मेरे दोस्त? अकबर के दरबार में आया था रॉल्फ फिंच। निकाल लगा दे आंसर, जिंदगी भर याद कर लेना। अब कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, जिसने बोला था कि भारत चांदी जाता है, भारत से चांदी जाता है पर आता नहीं है, ठीक ना। और वानियर या पीटर हुड्डी किसके काल में आए थे? पीटर हुड्डी मेरे लल्ला ये आए थे शाहजहां के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग, चलिए आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए सर जी। बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ दीजिए, उड़ जाएंगे हम लोग, ठीक ना। सभी लोग आगे में बढ़ जाएंगे बाबू रे, आंसर दे दे प्लीज कमेंट बॉक्स में। आंसर के अलावा और कुछ आंसर मत दीजिए, ठीक ना। जो गलत गलत काम करते हैं सब चीज छोड़ दो, मिशन फॉर ड्रीम। ड्रीम आपकी क्या है उसी पर काम कीजिए। जिस दिन नौकरी लगेगा सर जी, सारी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। वो तो छोड़ा ना, वो तो बोला ही रही। आगे चलिए, बाबर किसको जीतने आया था? क्या चित्तौड़गढ़ को, या मेवाड़ को, या हिंदुस्तान को, या पंजाब को? आंसर दे मेरे लल्ला, मजेदार क्वेश्चन है। उठा ले कलम की ताकत, बन जा एक महान, ठीक ना। उठा ले इस कलम की ताकत, बन जा विजेता बाबर की तरह मेरे दोस्त, ठीक ना। देखो ससुरा आई है कुछ और जीते, आ जीत लस्का बहुत बड़ा चीज। ये जीतने आया था किसको? पंजाब को। जैसे पंजाब को जीता तो सर जी इसको क्या दिखाई दे दिया? दिल्ली। दिल्ली मतलब सर जी पूरे हिंदुस्तान, जो ख्वाबों में भी ना सोचा था कि हम हिंदुस्तान का क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। लेकिन दो लालची लोग दौलत खा लोदी, ठीक ना, दौलत खा लोदी तथा उसके सहयोगी ने इसको आमंत्रित कर दिया कहां पर? दिल्ली पर। और इसने पूरे हिंदुस्तान को अपने पास ले लिया। लेकिन बाबर किसको जीतने आया था? तो आया था किसको? पंजाब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हम लोग, चलिए आसान क्वेश्चन क्यू 17 का लगा दीजिए आंसर, आंसर लगा दीजिए, मजा वाला क्वेश्चन है। सिकंदर के गुरु कौन थे बताइए? आसान क्वेश्चन हो, प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, एमजी रनाडे। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बाबू रे। शानदार तरीके CRPS, जिसे आप लोग कहते हैं क्या CRPF, हमने क्या लिख दिया? CRPS। इसके मतलब तुरंत तुरंत आंसर दीजिएगा। देखिए सी के मतलब लल्ला सिकंदर, ठीक। अर के मतलब अरस्तु, ठीक। पी के मतलब बाबू प्लूटो, इसके मतलब बाबू सुकरात, रख ले। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। लगातार आंसर आया, ठीक ना। मजा खेल गए सर जी हम लोगों ने, क्या शानदार बैटिंग की है। देख लो फिर से किनके गुरु कौन है, तो ध्यान से देख ले। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। रट जा, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका नाम क्या है? CRPS। पहले हम लोग पढ़ते थे CRPF, लेकिन अब पढ़ेंगे क्या? CRPS। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। मजा आ जाएगा सर जी क्विज सेक्शन में, जुड़ जाइए। एक और बात लिख लीजिए, एक और बात, एक बिग गम मल्लाना के बहुत बड़ा हमरा का अगला बाबू गम हो गई बा कोई की याद में। देखिए बी से भाई का हो, विनोबा,
विनोबा भावे, विनोबा भावे के गुरु हो बाबूजी गांधी। कौन हो? गांधी, ठीक ना। और गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु बाबू रे एम जी रनाडे। वाह क्या शानदार बैटिंग करे सर जी हम लोगों ने। देख लो यही चारों का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, ट्रिक है रे लल्ला, शानदार ट्रिक है, देख ले मजा आएगी। सी आर पी ए सिकंदर अरस्तु प्लूटो सुकरात, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, बी के गम विनोबा भावे के गुरु गांधी, गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम जी रनाल्डे। मजा आ रहा है तो सर जी लाइक बटन जरूर दबा के जाना, और ज्यादा से ज्यादा सर जी शेयर कीजिए सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, चलिए क्यू 17 में सभी लोग के दिल से स्वागत है मेरे दोस्त। हम आपसे एक वादा लेना चाहते हैं, है तो दीजिए सर जी प्लीज, आप लोग ज्यादा से ज्यादा और लोगों में शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अब प्लीज सबको जोड़िए मेरे दोस्त, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लिंक को भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए सर, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, वादा है सर जी। हम ओमे के ना है, ठीक ना, प्लीज ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ज्यादा लोगों के पास जोड़ाइए, ठीक ना। 1857 के लेखक कौन है? बी डी सावरकर, एस से आर सी मजमूदार, कॉलिन कैंपबेल, ठीक ना, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए दोस्त, ठीक ना। बाबू रे कॉलिन कैंपबेल ये कौन था, ठीक ना। लेकिन इससे पहले बात करते, देखिए बी डी सावरकर ने सर जी द फर्स्ट वर्ल्ड, द फर्स्ट वार 1857 पुस्तक को लिखा, कौन लिखे? आपके बी डी सावरकर ने द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक को लिखा। उसके बाद सर जी आर सी मजमूदार ने लिखा भारत की कहानी, भारत की कहानी, भारत की कहानी। कॉलिन कैंपबेल सर जी इस सेनापति था, 1857 की क्रांति में लखनऊ का सर जी यही बागडोर संभाल रहा था, ठीक ना। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है सर जी? एसेंसेन, ठीक ना। प्लीज मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको क्यू 17 सेक्शन में हमारी टीम और हमारी तरफ से सर जी आप सभी को शुभरात्रि, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल सर जी, थैंक यू।